नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीपत थाना क्षेत्र के सेलर में हुए 4 वर्षीय बालक शौर्य के हत्या के मामले की गुत्थी सीपत पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में सुलझा ली। नाजायज संतान के शक पर पिता ने ही उसे मौत के घाट उतारा था। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी बातें सामने आ रही हैं कि पिता मदनलाल सूर्यवंशी ने हत्या के पहले अपने 4 साल के पुत्र के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रोहित झा ने बताया कि अपने पुत्र की हत्या करने के बाद आरोपी पिता ने उसे पहले अपने घर में रखा और बाद में सड़क पर जाकर फेंक दिया। ऐसा बताया गया घर वालों के द्वारा कि बच्चा रात में गायब हो गया था और उसकी सूचना उन्होंने पुलिस को नहीं दी थी। अपने स्तर पर खोजबीन कर रहे थे, गांव वाले और परिवार वाले सब मिल करके उसको खोज रहे थे। बाद में सभी से बातचीत की गई। बातचीत के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगा, चूँकि मामले में मोटिव जो था वो क्लियर नहीं था, तो मोटिव तक पहुँचने की कोशिश की गई। इसमें बच्चे के पिता से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने अपने जो उसका बालक है शौर्य उर्फ बल्ला उसकी हत्या की है और बाद में उसकी बॉडी को अपने घर में पलंग के नीचे छुपा के रखा था। रात करीब 11 बजे उस बॉडी को वहाँ से उठा करके पास में ही एक गौठान है उस कमरे में रखा और रात को 3 बजे उसको उठा करके सड़क पर फेंक दिया। बाद में जा करके सो गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने लगातार पूछताछ कर पूरे मामले को लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर सुलझा लिया। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने ये बताया कि इसको शक है कि ये जो बच्चा है ये इसका नहीं है। सिर और चेहरे पर चोट के निशान नहीं हैं, चोट के निशान मुख्यतया गले पर हैं, जो कि स्ट्रैंगुलेशन के निशान है, गला दबा करके हत्या की गई है। पेट्रोलिंग में निकली चकरभाटा पुलिस को सूचना मिली कि ओवरब्रिज के नीचे एक युवक सफेद रंग की एक्टिवा में शराब रखा हुआ है। अचानक पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, मगर पुलिस ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान स्कूटी में लगभग 35 पाव देसी प्लेन शराब रखा हुआ था। अचानकपुर निवासी रामेश्वर दिवाकर के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तारबहार थाना क्षेत्र में महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पास में ही रहने वाले युवक गोलू माथुर ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 354 के तहत कार्यवाही की है। तारबहार निवासी गोलू माथुर द्वारा दिनांक 6/7/22 और 7/7/22 के मध्य रात्रि को इसके घर अंदर घुसकर इसे छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा था, जिस पर थाना तारबहार में 354 और 457 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गोलू माथुर, पिता रफीक माथुर, उम्र 32 वर्ष, साकिन तारबहार को त्वरित गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर आज दिनांक को भेजा गया है। पारिवारिक विवाद को सरलता से सुलझाने और पक्षकारों को राहत देने शनिवार को वेयरहाउस मार्ग स्थित कुटुंब न्यायालय में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने संबंधितों को मार्गदर्शन दिया गया। परिवार न्यायालय की प्रक्रिया को सरल कर पक्षकारों को समय पर न्याय दिलाने शनिवार को कुटुंब न्यायालय में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश सहित न्याय मित्रों ने हिस्सा लिया। पारिवारिक विवाद और संबंध विच्छेद की प्रक्रिया को सरल करने के साथ ही जहां तक मुमकिन हो पक्षकारों को समझाइश देकर घर टूटने से बचाने का प्रयास किए जाने पर जोर देने कहा गया। पक्षकारों तक कैसे न्याय पहुंचाया जाए, न्याय मित्र के रूप में नियुक्ति के लिए रखा गया है ना। और जैसा कि हमारे प्रधान न्यायाधीश हम लोगों को अभी पाठशाला में समझा रहे हैं, तो उससे मुझे ये समझ आया है कि जो पक्षकार होते हैं यहाँ आते हैं परेशान होते हैं, जो उनका जो भी समस्याएं हैं उनको किस तरीके से सरल और सुविधाजनक बनाया जाए वो प्रोसीडिंग हमारे सीनियर्स हमारे न्यायाधीशों ने बताई है, उसको एक लिखित रूप में किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो सबका समावेश इस बैठक में किया गया है। आज यहाँ वॉलंटियरों को ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे मुख्य परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा। इसमें हमें ये सिखाया जा रहा है कि आज जो बढ़ते परिवारों में जो
हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनाव पैदा हो रहा है उसको हम किस तरह से समझा बुझाकर परिवार को जोड़ सके। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि कार्यशाला में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय से मिले मार्गदर्शन से भी मौजूद लोगों को अवगत कराया गया। आज का ये जो कार्यशाला था ये बेसिकली जो कुटुंब न्यायालय के प्रक्रियाओं पर किस प्रकार से हम सरलीकरण करके लोगों को शीघ्र न्याय दिला सकते हैं इस विषय पर था। और आज मुझे यह जानकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि कई महिला अधिवक्ता हमारे पास ये जानने के लिए आई थी कि न्याय मित्र की नियुक्ति कैसे हो सकती है और न्याय मित्र के कार्य क्या होते हैं। हमारा जो ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम है ये स्पेशल, ये सामान्य प्रक्रिया से अलग हट करके बात कहता है और ये चाहता है इस अधिनियम के माध्यम से कि लोगों का परिवार टूटे ना और अगर कभी ऐसी नौबत आ भी जाती है तो कोई विकल्प ना बचा हो और बड़े ऐसे माहौल में ये हो ऑर्डर या निर्णय कि दोनों के लिए हार्डशिप ना हो, दोनों के लिए कठिनाई वाला ना हो। कागजी कार्रवाई को सरलीकरण करते हुए पक्षकारों को राहत देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में लगभग 50 से अधिक लोग शामिल हुए। इस मौके पर अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश श्यामलाल नवरतन, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर वाजपेयी, न्यायमित्र अधिवक्ता प्रशांत गणोरकर, अधिवक्ता A.S. कुरैसी सहित उषा किरण वाजपेयी परामर्शदात्री के रूप में मौजूद रहे। लोक सोल टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले, सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। इस्कॉन की ओर से शहर में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। बड़े हर्षोल्लास के साथ निकली रथ यात्रा पुराना बस स्टैंड होते हुए शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरी। झूमते गाते भक्त भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। रथ यात्रा शिव टॉकेज होते हुए तालबहार चौक रेलवे परिक्षेत्र का भ्रमण कर वापस पुराना बस स्टैंड पहुंची। इस दौरान प्रभु का दर्शन करने और रथ खींचने के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी। ये जो रथ यात्रा है इस्कॉन पहली बार बिलासपुर में निकाल रहा है। जगन्नाथपुरी में जैसे आज बहुड़ा यात्रा इसको बोलते हैं कि उल्टा रथ यात्रा भी बोलते हैं कि अब भगवान वापस अपने घर जा रहे हैं, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो वापस अपने घर जा रहे हैं। तो आज ये अक्षय तृतीया से लेके आज तक का जो ये समापन, ये समारोह समापन हो रहा है जगन्नाथ जी का। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा से चालू होता है रथ बनने का तैयारी और इसमें इसके बीच में बहुत सारा स्नान यात्रा और बहुत सारी यात्राएँ होती हैं। तो आज भगवान वापस अपने धाम में जा रहे हैं तो आज ये रथ यात्रा का ये विशेष महत्व है इसका। जगन्नाथ जगत का नाथ है तो हम देख सकते हैं कि आज भगवान स्वयं जगन्नाथ जी उनका घर से बाहर आ है क्योंकि जगन्नाथ जी इतना कृपालु है कि जगन्नाथ सबको कृपा देने के लिए खुद मंदिर से बाहर आया है। तो जगन्नाथ स्वामी जगत का नाथ जगन्नाथ है तो हमारा विशेष कृपा है कि आज जगन्नाथ जी सबके लिए कृपा देने वाले है। शनिवार को भक्तिमय माहौल में महाप्रभु बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ मौसी माँ के घर से श्रीधाम के लिए प्रस्थान किया। बाजे गाजे के साथ उनकी बहुड़ा यात्रा निकली। भक्तों ने भी उनके रथ को खींच कर पुण्य लाभ अर्जित किया। महाप्रभु अपनी रूठी पत्नी माँ लक्ष्मी को मनाते हुए सहर्ष श्रीधाम में प्रवेश किया। मौसी माँ के घर से महाप्रभु की विदाई होने पर उन्होंने अपने रथ में विराजमान होकर अपने श्रीधाम के लिए प्रस्थान किया। परंपरानुसार रथ में जय घोष के साथ महाप्रभु भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा को विराजमान कराया गया। इसके बाद छेरा पहरा की विधि हुई। इसमें सोने की झाड़ू से रथ के चारों ओर सफाई किया गया। बहुड़ा यात्रा रेलवे परिक्षेत्र स्थित मौसी माँ के निवास से शुरू हुई जो तितली चौक रेलवे परिक्षेत्र गांधी चौक होते हुए रेलवे परिक्षेत्र स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूर्ण हुई। बिलासपुर जिले के नौपदस्थ कलेक्टर सौरभ कुमार ने चार्ज लेने के बाद शनिवार को SDM कार्यालय कोटा और तहसील कोटा के निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान बिलासपुर कलेक्टर सबसे पहले कोटा तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया जहां उन्होंने तहसील कार्यालय के कामों की जानकारी ली। इस दौरान नजूल शाखा, स्ट्रांग रूम,
अभिलेख शाखा सहित लोक सेवा केंद्र का जायजा लिया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय व तहसील कार्यालय के निरीक्षण के बाद बेलगहना तहसील सहित गौठान का निरीक्षण किया। जिले में चार्ज लिया है तो सबसे दूरस्थ जो हमारा तहसील है, सब तहसील है, बेलगहना कोटा, उसको देखने के लिए निकला हूँ। क्षेत्र में गोठान कैसे चल रहे हैं उनको देखने के लिए निकला हूँ, समझने के एंगल से निकला हूँ, रादर देन किसी भी रोक टोक या कमी पेशी के एंगल से। मैं चेक करूँगा, यदि ऐसा है तो जल्दी गोठान का निर्माण कराया जाएगा। समस्त नगर पंचायत में SLRM सेंटर होना चाहिए, जिसके अंतर्गत कचरा प्रोसेस होता है, गीला कचरा कूड़ा कचरा अलग होता है और उसको प्रोसेस भी किया जाता है। पता करूंगा कोटा में क्या स्थिति है, चेक करूंगा, यदि किसी भी कारणवश कोई निर्माण लंबित होगा तो उसको कोई समस्या होगी तो उसको दूर करेंगे, निर्माण पूर्ण कराएंगे। क्योंकि ये CHC स्तर का अस्पताल होगा तो चेक करूंगा CHC स्तर के अस्पताल में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। चकरभाटा के अंडर ब्रिज में जल भराव होने के कारण लोगों का आवागमन बंद हो जाता था। वर्षों पुरानी समस्या से त्रस्त वाहन चालकों को अब राहत मिलने लगी है। दरअसल रेलवे ने पिछले दिनों इस ब्रिज का मरम्मत कराया था, जिसके बाद पानी भरने की समस्या खत्म हो गई है और अब वाहनों का आवागमन जारी है। हालांकि ब्रिज में सीपेज की समस्या जरूर बनी हुई है। हर साल बरसात के मौसम पे पानी भर जाता है, पानी भरने का तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी बरसात होती है पानी ऊपर से लीकेज हो रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। परेशानियों के साथ साथ लीकेज क्यों हो रहा है, इसकी वजह से लीकेज की वजह से ये कभी भी ये जो अंडर ब्रिज है वो पता नहीं क्या हो सकता है, इसके ऊपर कभी भी टूट भी सकता है, लीकेज हो रहा है तो धीरे धीरे पानी उसमें रिसाव होगा, जिसकी वजह से कुछ भी हादसा हो सकती है इसमें। सिम्स में भर्ती मरीजों के परिजनों के आराम के लिए सिम्स परिसर में बैठक व्यवस्था है, लेकिन यहां शेड में लगे पंखे टूटे हुए हैं, जिसके कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। यहां आसपास फैली अव्यवस्था और गंदगी के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुर्सियां और शेड टूटे हुए हैं। सिम्स प्रबंधन को चाहिए कि इस अव्यवस्था को दूर कर परिजनों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति का चुनाव 17 जुलाई को होने वाला है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शनिवार को नामांकन फॉर्म भरने का सिलसिला दोपहर 12 से 2 बजे तक चलता रहा, जिसमें कुल 26 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। पत्रकारिता के साथ साथ पत्रकारों के हित और उनके घर परिवार को छत देने के लिए गठित संस्था बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति का चुनाव होने वाला है। जारी चुनाव प्रक्रिया के तहत शनिवार को ईदगाह स्थित प्रेस क्लब ट्रस्ट भवन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किया गया। यह चुनाव समिति के सदस्यों को जमीन दिलाने से लेकर उनके घरों के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। नामांकन फॉर्म लेने विभिन्न संस्थाओं से जुड़े पत्रकार शामिल हुए और इसके साथ ही प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति के चुनाव का बिगुल बज गया। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी। 9 तारीख हमने नियोजन लिया, 11 तारीख इसकी जांच है और 12 तारीख को वापसी, नाम वापसी, 17 तारीख को विशेष आम सभा या मतदान। यहाँ कुल 187 मेंबर हैं। प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति के चुनाव में डायरेक्टर बनने कुल 26 सदस्यों ने नामांकन पत्र जमा किया है। इनमें 11 सदस्य ही चुनकर समिति में आएंगे, जिसके बाद 11 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अन्य संस्थाओं को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। अब सभी की नजरें 17 जुलाई को होने वाले चुनाव पर टिकी हुई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने लोगों के लिए किफायती दर में हवाई पैकेज की योजना तैयार की है। इस संबंध में शनिवार को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के एरिया मैनेजर एस जेराल्ड सोरेंग ने प्रेस वार्ता कर देश विदेश की हवाई यात्रा को लेकर जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में बैंकॉक और पटाया, वही देश के अंदर शिरडी, मैसूर और गोवा के लिए विशेष पैकेज निर्धारित किए गए हैं, जो www.irctctourism.com में लॉगिन कर जानकारी ले सकते हैं। एयर पैकेज, एयर टूर पैकेज हैं, ये सारे रायपुर से ही प्रारंभ होंगे और ये जो पैकेज मूल्य जो भी हम लोगों ने इसमें दिया है, इसी पैकेज मूल्य में ही आप
का खाना पीना जो घरेलू टूर पैकेज है उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों शामिल हैं। हवाई यात्रा का टिकट जो कंफर्म टिकट रहेगा वो उसमें शामिल है, यात्रा बीमा इत्यादि, और एसी बस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण की सुविधा रहेगी और डिलक्स होटल में रुकने की व्यवस्था रहेगी। शुक्रवार की शाम शहर के एक निजी होटल में लायंस क्लब ज्योत्सना बिलासपुर के द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस दिलीप भंडारी ने अध्यक्ष एम आशा, कोषाध्यक्ष ज्योति सिंह, सचिव सपना सराफ सहित समाज सेवा में काम करने वाले अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लायंस क्लब ज्योत्सना के सदस्य मौजूद रहे। साधना जो है हमारे लायंस को एक नई पहचान देता है और नई टीम इसमें अपना भाग लेकर अधिकारी बनती है और नए सत्र को संभालती है। यह क्लब दो साल से, विगत दो वर्षों से कार्यरत है और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हम आशा के साथ कि यह क्लब दिनों दिन और तरक्की करेगा और नए मुकाम को पहुंचेगा। आगे हम हमारे अपनी पीएचटी सचिव सपना सराफ जी, हमारी जोन चेयरपर्सन शशि बरेड जी, मेरे कोषा अध्यक्ष हैं के रानू जी, इनके सभी के साथ हम ज्योत्सना क्लब को अपनी नई टीम के और भी मेंबर्स हैं उनके साथ हम अपने कार्यक्रम को अच्छे से करेंगे। प्लांटेशन हो गया, डायबिटीज हो गया, हम सारे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं तो हम लॉ पर भी काम करेंगे। शुक्रवार को बादलों की आवाजाही रही लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तेज धूप और उमस ने लोगों को काफी परेशान किया। चिपचिपी गर्मी को बर्दाश्त करते हुए लोगों ने दिन किसी तरह पार किया लेकिन रात ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बारिश से भीग गई। आकाशीय बिजली की तेज चमक और गर्जना के साथ करीब एक घंटे तक झमाझम बारिश शुरू हुई जो पूरे मौसम का मिजाज बदल कर लोगों को गर्मी से राहत दिला दी। हालांकि इस दौरान शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रही जिससे लोग परेशान होते रहे और वे बिजली दफ्तर का चक्कर लगाते रहे। चकरभाटा में सब्जी मंडी के दिन बहुरने वाले हैं। लोगों के द्वारा बार बार ध्यान दिलाने के बाद नींद से जागा निकाय अब सब्जी मंडी में फैली समस्या को दूर करने में लगा हुआ है। यहां सबसे मुख्य समस्या जल निकासी की थी। बरसात होने पर पूरे बाजार में कीचड़ के साथ जल भराव की समस्या बन जाती थी। खरीदारी करने पहुंचे ग्राहक और व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था मगर देर से ही सही यहां व्यवस्थित नाली निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। कार्य खत्म होने के बाद लोगों को राहत मिलेगी ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।